शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है, बाबा से छुट्टी लेने लगा तो बाबा भी जानी जाननहार, बाबा कहते मैं राजू रमजबाज हूँ। बाबा ने अखरोट तोड़े और अखरोट को तोड़ करके उसकी गिरी निकाल के उसमें अनाज भरे, जितना किचन में लगता है भंडारे में चीनी चाय चावल दाल जो भी है, और उसको गोंद से चिपका दिया। चलते समय अखरोट का उसे गिफ्ट दिया बना के डब्बा टोली के बजाय। जब वो कानपुर ले करके आया तो उसको अखरोट का कोई महत्व तो नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था पोजीशन वाला। लेकिन एक दिन उसने उसको तोड़ा, जब तोड़ा तो उसी उत्सुकता बढ़ गई, किसी में दाल किस में चावल किस में चीनी किस में चाय किस में चना। तोड़ता गया देखता गया, तोड़ता गया देखता गया, आया लेके आता इंदिरा ये क्या है। दादी ने कहा ये तो आप समझो ना क्या है, क्यों बाबा ने दिया मुझे नहीं बताया है। उसके बाद वो समझ गया, मैं समझ गया। फिर जो जो बाबा ने उसको अखरोट में भर के दिया था, चूँकि यज्ञ में उस समय थोड़ा बेगरी पार चल रहा था, उसने 100-100 किलो के जूट के बोरे भर भर के सारा सामान ट्रक में भेजा यज्ञ में। तो बाबा कैसे सेवा करना कराना सिखाया कि मांगना भी नहीं कहना भी नहीं और यज्ञ की भंडारे की सेवा भी हो गई। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे कभी किसी को ही हो तो ऐसे नहीं है कि मांगना है, नहीं मांगने से तो मरना भला है। तो ये भी बाबा ने करके दिखाया और सिखाया।